बड़ी खबर आ रही है, आरएसएस से पीएफआई की तुलना पर घिरे हैं पटना के एसएसपी। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी ने पटना के एसएसपी को हटाने की मांग की है। ये आरएसएस की शाखा की तरह शारीरिक प्रशिक्षण देते थे एसएसपी की ओर से, ये कहा गया ये मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देते थे, जिसके बाद बीजेपी आग बबूला है और अब एसएसपी को हटाने की मांग की गई है। पीएफआई की आरएसएस से तुलना पर पटना के एसएसपी घिर गए हैं। पीएफआई के प्रवक्ता की तरह बोल रहे हैं एसएसपी, ये कहा है भारतीय जनता पार्टी ने। पहले माधव आनंद जी से भी आपका रुख करते हुए, एसएसपी को हटाएगी सरकार आपकी? आरएसएस और पीएफआई को एक साथ जोड़कर तुलना कर दी कि जैसे वहां ट्रेनिंग चलती है वैसे यहां पर भी ट्रेनिंग दी जा रही थी, माधव आनंद जी? चित्रा जी बहुत गंभीर विषय है, आतंकवाद के विषय पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और नहीं, एक मिनट है जी, उनका बयान सुन लेते हैं फिर मैं लौट रही हूँ आपके पास। जो पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली मोबिलाइज करती थी मस्जिद में और मदरसा में यूथ को मोबिलाइज करते थे, और कटुरता की तरफ, जिसको हम अंग्रेजी में रेडिकलाइजेशन बोलते हैं, उसके लिए ये लगातार कार्यशील थे। इसका जो मॉडस था कि ये लोग जैसे शाखा होती है आरएसएस, अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करते हैं और लाठी की ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह से ये लोग शारीरिक प्रशिक्षण फिजिकल एजुकेशन के नाम से लोग अपने यूथ को बुला के और उनको प्रशिक्षण दे रहे थे, और उसी के साथ ही जो अपना एजेंडा है और प्रोपोगेंडा है उनके माध्यम से यूथ को ब्रेन वॉश करने का काम कर रहे थे।